इमरजेंसी सेंटर का जो है वो क्याम यहाँ पर हो चुका है। अब लांडी के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी तो कोरंगी की आवाम के लिए एक अच्छी रिलीफ है। 112 से तो मैं समझता हूँ सारे शहर का फ़ायदा है, सारे सूबे का फ़ायदा है। इसके अंदर वेंटिलेटर भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, अद्वियात की फैसिलिटी भी है और पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा भी होगा जो कि आपकी कंडीशन को मॉनिटर कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर ये जो जगह है जो सहूलियात देनी चाहिए थी वो सहूलियात मिलती नहीं थी, मगर एक खुशखबरी हमने देखी है कि इमरजेंसी सेंटर का जो है वो क्याम यहाँ पर हो चुका है। अगर कोई भी शख्स जो कि किसी का भी हादसा होता है लांडी के रोड पर या सड़कों पे या कोरंगी में, ये जितने लोग हैं लांडी कोरंगी वाले, ये बेचारे जब इनका एक्सीडेंट होता है आप यकीन जाने ये जिना जाते हैं, अब्बास शहीद हॉस्पिटल चले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल चले जाते हैं, ट्रोमा में चले जाते हैं, मगर केएमसी ने इतना अच्छा काम कर दिया कि इधर जो है वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी सेंटर जो है वो बना दिया है। न सिर्फ इमरजेंसी सेंटर यहाँ पर बनाया गया है बल्कि केएमसी ने, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला है कि जितनी एम्बुलेंसेस है ये तकरीबन 315 एम्बुलेंसेस लाने का ये मंसूबा है, जिसकी 60 एम्बुलेंस जो कि अमन के नाम से पहले ही आ चुकी हैं और अब जो है वो 50 एम्बुलेंस का मजीद इजाफा किया गया। अगर आप मेरे पीछे देखें ये सारे के सारे ड्राइवर जो है वो, ये जो स्टाफ है यहाँ पे 112 का, रेस्क्यू का, ये जितने भी हैं इनको जब फ़ोन आता है तो ये गोली की तरह निकलते हैं और एक मुहाफिज़ के तौर पर और एक मसीहा के तौर पर जो है वो उस शख्स की मदद करते हैं जो मदद का जो है वो मुतलाशी होता है। अल्लाह के बाद लोग इन लोगों के ऊपर इनसार करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लांडी कोरंगी वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे कराची में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अब ये एम्बुलेंसेस सर्विस जो है वो आपको काम करते हुए दिखाई देगी। हाल ही में जो चेजब के पास जो आग लगी थी, जो कि सेंट्रल जेल के पास जो आग लगी थी इमारत में, उसमें भी हमने देखा कि रेस्क्यू फ्राम करने में अव्वलीन जो है वो किरदार इन्होंने अदा किया और गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉल करनी हो तो आपने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है, आपने तंग नहीं करना इनको, सिर्फ इमरजेंसी के लोगों के लिए। तो आइए मैं थोड़ा सा एम्बुलेंस की आपको वैसे ही बात बता देता हूँ कि ये गाड़ी किस तरह की है। वैसे आप जब दीगर जो गाड़ियाँ हैं जितनी भी हैं उसमें आपको वो सहूलत नहीं मिल पाती, मगर क्या करें, मजबूरी है, आपको डालना पड़ता है भेड़ बकरियों की तरह। लेकिन इसमें आपको जो है वो ये एयर कंडीशन एम्बुलेंस सर्विस है, इसमें आप अंदर जाएंगे, उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपको वैसे ही रिलीफ मिल जाएगा। वैसे ही अंदर जो है वो वेंटिलेटर सर्विस है, तमाम पूरा मिनी हॉस्पिटल है, स्टाफ भी अंदर मौजूद है। आप सुकून से बैठ के जो है वो जिसको तकलीफ हो रही है, जो जो बेचारा इमरजेंसी की सूरत में, वो बैठ के जो है वो जा सकता है। एक अच्छी चीज़ हमें और देखने को मिली है जो कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, मगर उससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात कर लेता हूँ कि वो और कराची में कौन कौन सी जगह पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर माशाल्लाह से मैं समझता हूं कि लांडी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो लांडी से उनके हादसे होते थे, जिना पहुंचते पहुंचते जो है वो उनका इंतकाल हो जाता था, बड़ा मुश्किल काम था। आज माएँ जो है वो बड़ी खुश होंगी कि बच्चों को, कि जानों को जो है वो महफूज बनाने के लिए एक अहम इकदाम उठाया गया है, क्या कहेंगे? खुशाइन चीज़ है, अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि हमारा टारगेट ही यही है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पर अगर रिलीफ मिलेगी तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो माजी में उनको जिना या बासी शहीद आप लेके जाते थे, अब लांडी के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी तो कोरंगी की आवाम के लिए एक अच्छी रिलीफ है। और 112 से तो मैं समझता हूँ सारे शहर का फ़ायदा है, सारे सूबे का फ़ायदा है और एक बड़ी नेसेसरी चीज़ थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने मुकम्मल किया है। अब हमारा टारगेट ये है कि उसको एक्सपेंड करें और कराची के बाद सिंध के तमाम अजला के अंदर इंशाल्लाह इसको लेकर जाएँ। ठीक सर, कितनी एम्बुलेंसेज जो है वो आपका मिशन है कि शहर कराची में और इंटीरियर सिंध में जो है वो आपको लाने का मकसद है, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, आप समझते हैं कि 315 जो एम्बुलेंसेस है ये काफ़ी होगी? कुछ ना होने से तो बेहतर है, आज से कोई
तीन साल पहले सरकारी एम्बुलेंस सिवाय हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ थी, जो बाकी थी वो मौजूद नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर चलाता था। 2019 में हमने वो 60 एम्बुलेंसेज का कॉन्सेप्ट अमन फाउंडेशन के साथ स्टार्ट किया। 50 करोड़ रुपये सालाना उसके जो अखराज आते हैं वो सिंध हुकूमत बेयर करती है। फिर फैसला ये हुआ कि इसको मजीद इन्हांस कैसे करें, तो हमने 230 नई एम्बुलेंसेज का ऑर्डर दे दिया और 25 हमारी छट्टा सजावल में चलती हैं, तो 315 का ये नंबर है। अब टारगेट हमारा ये कि 315 को हम किस तरीके से एडिक्वेट अंदाज से, रीज़नेबल अंदाज से इसकी रिसोर्सेज को हम पूरे सूबे के अंदर फैलाएँ। जो इलाके ऐसे हैं, जो शहर ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के वाकयात कॉन्स्टेंटली होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एम्बुलेंसेज होंगी। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाकयात नहीं होते, तो वहाँ पर उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है तो नंबर को बढ़ाया भी जाएगा। मतलब एक प्रोसेस अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है, एक सिस्टम इन प्लेस आ गया है। टारगेट हमारा ये है कि इसको सस्टेन करें, इसको बेहतर बनाएं, और जो रिलीफ सिंध की आवाम को दी जा सकती है वो इंशाल्लाह दी जाए। सर, ये बड़ी जदीद किस्म की एम्बुलेंस देख रहे हैं हम, क्योंकि माजी में ऐसी एम्बुलेंस कभी नहीं देखी गई। पूरी समझ ले मिनी हॉस्पिटल है एम्बुलेंस के अंदर, क्या क्या इसमें सहूलियात है? देखिए, जो हमारे यहाँ विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदर एम्बुलेंसेज, उनके अंदर कोई फैसिलिटी ऐसा नहीं होती। वो आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मुंतकली के दौरान अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता उनके अंदर। इन एम्बुलेंसेज की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर वेंटिलेटर भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, अद्वियात की फैसिलिटी भी है, और पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा भी होगा जो कि आपकी कंडीशन को मॉनिटर कर पाएगा। तो ये फुली इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट जो एम्बुलेंसेज हैं ये वो हैं, और मैं समझता हूँ एक देरीना जो रिक्वायरमेंट थी सूबे की आवाम की वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हुई है। सर, इस जगह पे तो कोई भी नहीं आता था, हालांकि ये केएमसी की जगह थी और इस जगह को यूटिलाइज करके आपने बड़ा अच्छा लोगों के लिए सहूलत दे दी। क्या ये सहूलत जो है वो आप कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी देने जा रहे हैं? 5 जगहों पर तो केएमसी ने जगह इनको प्रोवाइड की है, 5 अपने अस्पतालों में, कि आप अपने इस तरह इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर स्टैब्लिश कर लें। और आज उसका स्टार्ट हो गया, अगले 30 रोज़ में आप देखेंगे कि हम बाकी 4 जो हैं उनको भी फंक्शनलाइज कर देंगे। इसी तरीके से कराची की इंपॉर्टेंट सड़कों पे, शाहराहों पे भी आपको जगह एलोकेट की गई है 112 एम्बुलेंसेस के लिए, ताकि बआसानी वो उनकी नकलो हरकत जो है वो हो सके। बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा लांडी और कुरंगी वालों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, शहरी खुश भी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है, लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लोग इसको जो है वो नहीं करते? देखें, ये एक अच्छा एक गुडविल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की PDMA KMC कराची के जो कोलाब्रेशन के साथ ये प्रोजेक्ट तकमील पाया है, वो एक अच्छा तोहफा है यहाँ के कैचमेंट एरिया, यहाँ के आवाम के लिए। ये 24 आवर्स एक सेंटर चलेगा जिसमें डॉक्टर्स के साथ मेडिसिन और एक दो चार जो है तकरीबन एम्बुलेंसेज यहाँ वेल एक्विप्ड जो है और ट्रेंड स्टाफ के साथ खड़ी रहेंगी। पहले इनको न सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस है, ये रेस्क्यू 112, ये कैजुअल्टीज़ को 5 जगह पर अपग्रेड किया गया है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, CEC शाह फैसल और ये लांडी। इसके अलावा एक बड़ी मेन जो रेस्क्यू 112 का जो स्टेशन बनना है वो बनना है लेप्रोसी हॉस्पिटल मंगोपीर में, जो कि नॉर्दर्न बाईपास के साथ है, वहाँ एक्सीडेंट्स की ज़्यादा बहुतात होती है उस वजह से। तो उसमें न सिर्फ ये एम्बुलेंस स्टेशंस बट इन्होंने कैजुअल्टीज़ को भी अपग्रेड करके बनाया है, और वो ये पहला ये है, इसके बाद दूसरे भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। तो ये इस सिर्फ ये ऐसे नहीं है कि ये एक छोटे से इलाके के लिए, अच्छे खासी कैचमेंट एरिया है यहाँ की। यहाँ पे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है पूरा, कोरंगी के ये, इसके अलावा मलीर आता है, और इस कोरंगी में 2 सेंटर हमारे हैं, एक CEC शाह फैसल भी फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? ठीक है, ये अच्छा एक तोहफा है आवाम के लिए, और इसको अल्लाह करे अच्छे तरीके से चले। हमारी यहाँ के स्टाफ को भी मैंने काफ़ी अलर्ट किया है और वो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से रन करेंगे। ठीक है। डायरेक्टर हेल्थ कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, न सिर्फ लांडी और कोरंगी के लिए बल्कि मलीर, लांडी, कोरंगी, इन 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो मेडिकल सेंटर यानी कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एमरजेंसी सेंटर के बनने से वो लोग जो
लांडी कोरंगी में जिनका एक्सीडेंट होता है, जो इमरजेंसी की सूरत में बेचारे जो लोग अपनी ज़िंदगी को महफूज नहीं कर पाते सिर्फ सहूलत ना होने की वजह से, तो ये सहूलत होने से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। और इस तरह का इनिशिएटिव लेना जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के इस इकदाम को लोग सराहते हैं। और दूसरा ये कि लोगों से भी मैं मैसेज करूँगा कि यहाँ पर आप जब भी आएँ तो इन स्टाफ के साथ तआवुन करें, पान आपने नहीं फेंकना, गुटखा आपने नहीं फेंकना, क्योंकि इसी जगह के ऊपर लोगों का यहाँ पर देखभाल की जाती है, उनका इलाज मुआवजा किया जाता है इमरजेंसी की सूरत में। तो आपने खुदारा इन स्टाफ के साथ तआवुन करना है। दूसरा, इस जगह की सफाई सुथराई में अपना अहम किरदार अदा करना है। जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं ऐसे ही इसको साफ रखना है, कोई भी रेपर नहीं फेंकना, कुछ भी नहीं फेंकना, और हमारे लोग जो है वो इसी तरीके से जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो लेते रहेंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।